नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोलंजन में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। शहर के पौस इलाका लूबी सर्कुलर रोड स्थित डीडीसी आवास के पीछे स्वर्गीय डॉक्टर पीएन वर्मा के घर को अपराधियों ने निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिले के पुलिस अधिकारी दलबल सहित घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। घटनास्थल पर खोजी कुत्ता बुलाया गया। खोजी कुत्ता सूंघकर रेड क्रॉस भवन होते हुए पुनः वापस आ गए। डॉक्टर पीएन वर्मा, कुछ माह पहले उनका देहांत हो गया है, जिसमें उनके परिवार में पत्नी तथा तीन बेटी है। सभी बाहर रहते हैं। घटना के समय मकान खाली था, सिर्फ एक रात्रि गार्ड थे। चाकू था तो मार देंगे। देख रहे हैं इसमें क्या कार्रवाई बनती है, लीगल एक्शन जो होता है। डॉग स्क्वाड टीम बुला लिया और FSL की टीम आया हुआ है, अपना वर्क कर रहा है। इसमें हम लोग वर्क करके जो संदिग्ध है जिसमें शामिल है उसका हम लोग पकड़ रहे हैं। कतरास क्षेत्र के तेतुलमारी शक्ति चौक के समीप देर रात SDM और ADM के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक हाइवा तथा ट्रक सहित 50 टन कोयला जब्त किया गया। बताया जाता है कि कोयला चोरों का सरगना रिंकू में तो साइकिल, ट्रैक्टर तथा स्कूटर से चोरी का कोयला जंगल में जमा करते थे। वहां से ट्रक के माध्यम से डिपो तथा अन्य राज्यों को भेजने का काम काफी दिनों से चल रहा था। जिला प्रशासन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात SDM सुरेंद्र प्रसाद ने औचक छापेमारी कर कोयला ट्रक को जब्त किया है। लोगों ने लगभग 12-1 बजे रेड किया फोर्स के साथ, तो वहां पे कोयला को पाया, ट्रक पाया। क्योंकि अंधेरे में जाते समय लाइट उनको देख के लोग वहां से तो भाग गए, और स्थल पे ट्रक्स मिले लगभग 50-60 क्विंटल के आसपास, टन के आसपास बोलो कि आप कोयले की मात्रा थी। फिर लोकल थाने को बुला के सुपुर्द करा दिया गया, कोयले को उठा के ट्रक में डाल के थाना पहुंचा दिया। थाने को बाकी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया। मुझे जानकारी है कि शायद FIR भी हो गई है। चांडिल प्रखंड के भुयाड़ी स्थित रेनोविजन एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड मेडिसिन प्रोडक्ट कंपनी में कार्यरत लगभग 70 मजदूर अपनी बोनस की मांग को लेकर हड़ताल पर है। मजदूर रंजीत सिन्हा ने बताया कि जब कंपनी प्रबंधक से बोनस के लिए मांग करते हैं तो बोनस के बारे में बातें नहीं करते। कभी कहते हैं देंगे तो कभी कहते हैं नहीं देंगे। कंपनी में काम करना है तो करे, नहीं तो छोड़कर चले जाए। पिछले साल भी मजदूरों को कंपनी की ओर से बोनस दिया गया था। इस साल जब तक मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। निश्चित नहीं बोल रहा, अब बार बार यहाँ धमकी दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ना चले जाइए। आप लोग बाहर, गेट खुला हुआ है, गेट से बाहर चले जाइए। आप लोग बाहर से हैं क्या? हम लोग बाहर से, पटना से। कितने लोग हैं पटना से? लगभग वही 40-50 लोग है। इस साल मैंने कि भी कंपनी बंद नहीं हुआ लॉकडाउन में, कहीं मैंने कि बोनस नहीं मिल पा रहा हम लोग का। इससे तो 60-70 हैं लोग। वो हमारे बोनस के लिए वार्ता नहीं कर रहे हैं, कभी बोल रहा देंगे नहीं देंगे, कभी धमकी दे रहा है सबको, हम लोगों को हम लोग खाली कीजिए, काम नहीं करना है। जबकि हम लोग का PF SI काट रहा है, सब चीज़ काट रहा है। हम लोग वाजिब हक मांग रहे हैं, हक के लिए हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अगर अभी जब तक नहीं होगा जब तक बंद रहेगा कंपनी। और हमारे 4-5 सीनियर स्टाफ हैं, उनको 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी बोला जाता है भगा देंगे। 20 साल का मायने ना रखता है कंपनी, तभी बोलता है कि भगा देंगे। ये कोई कंपनी का रूल है? बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो है 3 साल 4 साल 5 साल काम किए हैं, लेकिन कुछ इंक्रीमेंट भी अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, जबकि हमारे कंपनी जो है फुल्ली जो नॉर्मली चलती है सेम वैसे ही चल रही है। लॉकडाउन का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं है। रात को भी काम चलता है। ये लॉकडाउन है, मार्च से लेकर और अभी तक में लॉकडाउन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया हो चुका है। बहुत सारी कंपनी सैलरी टाइम पे नहीं दे रही, बहुत सारी कंपनी सैलरी डिडक्ट करके दे रही है। जब गवर्नमेंट 40% 50% सैलरी डिडक्ट करके दे रही है तो हम तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो बोनस क्या है कि कंपनी के बेनिफिट्स में होता है तब कंपनी बोनस देती है। ये इनका मतलब वो नहीं है कि नहीं सैलरी, ये लोग सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं तो सैलरी ऑन टाइम हम दे रहे हैं और 1 रुपया डिडक्शन नहीं है। सारे लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, PF, PSI सब कुछ की फैसिलिटी इन लोगों को दी हुई है। तो ये लोग आए दिन कोई ना कोई बहाना से लेके ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये लोग मेन मुद्दा जो आज का है वो बोनस का है इन लोगों का। तो बोनस अभी हमने ये भी नहीं बोला कि हमने हमको बोनस नहीं देना, हमने ये बोला है कि बोनस हम देंगे,
लेकिन अभी नहीं देंगे इनके कंडीशन पे नहीं। कंपनी जब कैपेबल होगी, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, तो इस ईयर का बोनस हम अगले साल देंगे। आदिवासियों के शुभ कार्य में शामिल होने वाले पेड़ साल के पौधे के वृक्षारोपण के साथ आज 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आदिवासी भूमि समाज सरना खड़ा द्वारा किया गया। आदिवासी प्राकृतिक पुजारी रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक की सुरक्षा के लिए समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए आज साल वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। छाया हमको देने वाला आजीविका, इस पर हम लोगों ने शुरुआत की और आज इसके बाद हमारा जो विषय वस्तु है गाँव आदिवासी भूमि समाज के गाँव व्यवस्था और समाज व्यवस्था। गांव व्यवस्था हमारे ढांचागत क्या क्या है, क्या क्या टूटा है, टूटने का क्या कारण है और हमारे सामने क्या चुनौतियां आज खड़ा है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वैसे सामाजिक व्यवस्था में भी देखेंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से क्या टूटे हैं या सामुदायिक रूप से क्या हमें प्रतिबंध लगाया है, इन सारे बेड़ियों को हम लोग आज परखेंगे। आदिवासी भूमि समाज से हो रहा है और आदिवासी सरना का निवेदन कर रहा है। जो गाँवों का व्यवस्था है, मुड़ा, सरदार, दिगार, घाटवाल, नायक, पायक, शशान जागवाड़ी, इनको हम कैसे प्रेरित करें अपना भूमिका गांव समाज को निभाए और गाँव को आगे बढ़ाए, और उसके साथ युवा पीढ़ी है जो महिला पुरुष, उसको कैसे हम जगा पाए ताकि हमारा गांव समाज, हमारा प्रकृति जो धरोहर है उसको बचाए। पोटका थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक दुर्गा पूजा को लेकर आयोजित की गई। आपको बता दें, दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांतिपूर्वक पूजा संपन्न हो एवं कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनका 100% पालन हो, इसी उद्देश्य को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों में बताया गया कि किस आधार पर आपको पूजा अर्चना करनी है, पंडाल नहीं बनाना है, मूर्ति के विसर्जन में साउंड बॉक्स आदि का जाना वर्जित है, शाम से पहले मूर्ति का विसर्जन हर हाल में कर देना है, वायरस के मद्देनजर कोरोना के खतरे से बचते हुए पूजा अर्चना शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो। कोई बहुत बड़ा मंदिर में जो बकरी बाजार में क्या आपके यहाँ जो बनता है, यहाँ का हमको आइडिया नहीं है, रांची का नाम लिए हम, तो उस तरह का नहीं बनेगा, सादगीपूर्ण कोई गेट तोरण द्वार नहीं बनेगा। धनबाद के पुराना बाजार स्थित शनि मंदिर कैंपस के दर्जनों दुकानदारों ने रणधीर वर्मा चौक पर भू माफिया शरद उदानी पर उनके पक्के मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन एवं भिक्षाटन किया। सरकार और जिला प्रशासन से भू माफियाओं से मुक्त करने और रोजगार चालू करने की मांग को लेकर धरना भी दिया। पक्की दुकानें बगैर किसी नोटिस वोटिस के गैर कानूनी तरीके से उन दुकानों को तोड़ दिया। आज उन दुकानदारों की इस महामारी के समय में ये स्थिति है, हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। आप एक लोगों को रोजगार देने के लायक नहीं है, मगर इन भू माफियाओं ने जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया, इसका जवाबदेही किस पर है? जिला प्रशासन इससे बच नहीं सकता। आज ये लोग भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। ये 2019 लास्ट महीने से ये हुआ है और तब से ये दुकानदार लोगों के सामने एड़िया रगड़ रहे हैं, अपना माथा पटक रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बागमारा SDPO नितिन खंडेलवाल के ऑफिस में बड़ा सा अजगर मिला है। यह अजगर 2 खरगोश को भी निगल गया।